थाना राया क्षेत्र अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन संख्या 113 पर होंडा सिटी कार कंटेनर में जा घुसी। कार में सवार दो महिला सहित चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों की संख्या थमने का नाम ही नहीं ले रही है। आज उस वक्त का एक बड़ा हादसा हो गया जब आगरा से नोएडा की ओर जा रही होंडा सिटी कार एक्सप्रेसवे पर खड़े कंटेनर में जा घुसी। वही कार में चार लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया है कि कार सवार कानपुर के रहने वाले हैं जो कि दिल्ली के लिए जा रहे थे, जिसमें मोहम्मद महसूद्दीन, अब्दुल रहीम, शाहजहां बेगम और शाहजहां, यह चारों लोग अपने परिवार की बेटी की शादी के संबंध के लिए दिल्ली जा रहे थे, लेकिन हाईवे पर खड़ा कंटेनर इन चारों के लिए काल बन गया और पलक झपकते ही चारों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। राया में बताया गया कि एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें चार लोगों की मौत हो गई है, उसके बारे में बताओ। ये जनपद मथुरा में नोएडा से आगरा से नोएडा की तरफ एक गाड़ी जा रही थी, होंडा सिटी थी, जो साथ एक कैंटर खड़ा था उसमें टकराई है और उसके नीचे घुसी है, जिससे उसमें चार लोग फायर किए हैं, दो पुरुष हैं और दो महिलाएँ, और उनकी आमद स्पाट मिल चुकी है, उनको मॉर्चरी भिजवाया जा रहा है, मुकदमा लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है, इनकी पहचान भी कराई जा रही है कि कहाँ से ये मालूम नहीं पड़ता है कहाँ जा रहे थे ये लोग। ये पता कराया जा रहा है, ये कानपुर से दिल्ली जा रहे थे ऐसा जानकारी कुछ मिली है, और उसमें जो लोग थे उनकी कैजुअलिटी हुई, इसलिए अन्य चीज़ पूछताछ करके कार्रवाई की।